जी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों सत श्री अकाल। तो कल सुहागना का त्यौहार करवा चौथ है, सो करवा चौथ में संबंधित मैं मार्केट फेस सत की सारे दुकानदार तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने आज, कल करवा चौथ है तो मुझे लगा मैं अभी गुत्ताज भी सोया हुआ था तो मुझे लगा मैं अभी चली जाती हूँ तो बेटर है क्योंकि वो भी सोया मतलब उसका भी टाइम निकल जाएगा और मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्योंकि जब वो जागा होता तो ही वॉन्ट्स मी ऑल द टाइम। तो इसलिए और दिखाऊंगी डिज़ाइन, शेयर करूंगी पिक्चर और पिक्चर नहीं वीडियो। और बस हो गई है मेरी करवा चौथ की तैयारी, ऑलमोस्ट डन। मैंने इस बार सूट बहुत ही लाइट लिया है, बहुत ज़्यादा लाइट, क्योंकि गुरताज के साथ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी इतना हैवी कुछ। तो इस बार मैंने लाइट सा सूट लिया है, लाइट सा बस मेकअप मैं थोड़ा हैवी करूँगी और जूड़ा बनाऊँगी और कल दिखाऊंगी आपको अपना क्या बोलते हैं करवा चौथ का लुक। और मैं ट्राई करूंगी मैं उसका ट्यूटोरियल देने का मेकअप का। सो गाइस मैं जा रही हूँ सेवन फेज जा रही हूँ, अगर मुझे रास्ते में कोई मिल जाता है अच्छा सा। और एक न्यूज़ तो मैं देना भूल ही गई कि मेरा ये वाला फ़ोन जो मैंने न्यू लिया था Z4 III वो भी टूट गया है और वो वारंटी में नहीं ठीक हो रहा है। आई एम रियली वेरी अपसेट विद दैट। चलो क्या करें, बच्चे छोटे हैं, ये सब चलता ही रहता है। चलो सी यू गाइस, मिलते हैं बाद में, बाय कोड़े तो जा रहे हैं रास्ते में। आओ ब्रेक लगी है बहुत ही तेज, सॉरी यार, मुझे ऐसा सब नहीं करना चाहिए, व्लॉग शूट नहीं करना चाहिए वाइल्ड ड्राइविंग, वो भी खुद से ही। अभी बस बजने वाले थे, बच गए हम लोग, सामने ठा बजनी थी, मेरा तो कुछ नहीं जाता बेचारे, आगे वाली गाड़ी का नाश हो जाता और फिर मुझे पैसे देने पड़ते, क्या करूं। मेरा फेस बहुत रेड लग रहा है क्योंकि मैंने कल ही थोड़ा ब्लैक हेड्स रिमूव कराए, वाइट हेड्स रिमूव कराए हैं और इसके बाद अब अमेजिंग, अब मेरा ये नो मेकअप लुक है, एज यू कैन सी इट्स ग्लोइंग, देखो रौनक। रौनक है सारी जगह, पकड़ाई तू Thank you.
हाँ जी सर जी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों मेरे में सत श्रीकाल। तो मैं मार्केट सफरे मोहाली से सारिया दुकानों को कल औरतों का जो मतलब सुहागणा का त्यौहार है करवा चौथ वो संबंधित तुम्हें अपने दर्शकों मनाए जा रहे हैं। सो मैडम कल का त्यौहार जो कुछ मना रहे हैं वो भी कुछ दर्शकों में समझा जी 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 वैसे भी थोड़ी थोड़ी मैम थोड़ी थोड़ी हम फाइव थी हाँ जी। मुझे लगता है कि ये त्यौहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पति की उम्र को लंबा तो करता ही है, साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हस्बैंड वाइफ में जो मतलब प्रेशर चलता है आजकल वर्क एंड ऑल का, तो दोनों बहुत बिजी रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है, तो ये त्यौहार मतलब दोनों के बीच प्यार भी काफ़ी अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गुड कनेक्शन होता है दोनों में, तो हस्बैंड भी खुश होते हैं कि हमारे लिए पास रखा, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। हाँ जी, और क्या बोलना है, और तुम आप जब महंगी लगा रहे हो तो एक दिन पहले ही रुपए जो महंगी लगा लेते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं लगती है, कल तक छूट जाएगी, जैसे छूट जाती है तो उसका जो रंग चढ़ता है तो एक दिन लग जाता है, कल ये ज़्यादा अच्छे से ज्वेल हो के आएगा इसका कलर, अगर हम कल ही लगाएंगे तो वो बहुत फिक्की फिक्की लगती है, क्योंकि जब शादी भी होती है तब भी तो एक दिन पहले ही मेहंदी वाला डे होता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका नाम आप उनसे पूछ लो, उनका है गर्ल्स के लिए पूछ लो, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि आप जो खरीदो फरोख्त भी की है, अपनी जो सर्गी है तो सर्गी का सामान जो खरीदने शादी जो है वो पार्टनरशिप प्रोग्राम है, तो 50% है, 50% हम लोगों की और सर्गी नहीं, सर्गी नहीं, आप पंजाब के रहने वाले हिमाचल, ठीक है, तो हिमाचल में भी बहुत ही ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपको भी शुभकामनाएं। मम्मा रखती है, मम्मा रखती है, मम्मा रखती है, आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है, काम नहीं करते बाहर पे करवाते हैं। नहीं, एक चीज बताओ कि अगर आपका बॉयफ्रेंड हो तो उसके लिए रखना चाहिए? नहीं, नहीं बॉयफ्रेंड चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू भैया। बोलो, हेलो, माइक एक मिनट यार, माइक हो ना, बोलो, हेलो, माइक नहीं ऑन रहेगा, हूँ बोलो, हेलो, माइक नहीं ऑन नहीं किया यार, माइक ऑन है, अब यार, हूँ ऑन हो यार, ऊपर नहीं करूँ, हूँ हो यार ऑन, जाओ यार, आप एक मिनट दोबारा करो, सारे दोबारा करो, और की डिस्प्ले जी उधर दिखता नहीं थी, हूँ जो खुली ना हूँ पता, दोबारा दोबारा करो सारी, चलो जी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों सत श्री अकाल। तो कल सुहागणा का त्यौहार करवा चौथ है, सो करवा चौथ में संबंधित मैं मार्केट फेस सत की इतने सारे दुकानदार सारे जो कल करवा चौथ का त्यौहार इंजॉय करने वास्ते उठे आए हैं, सो उन्होंने सुहागणा नाल मैं गलबात कर जा रहा। सो मैडम आप दसो कितों रहने वाले हो? जॉब करते हो या मतलब आपका कारोबार है? हाँ जी, मेरा सैलून है,
तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, आईलैश एक्सटेंशन करते हैं, नेल एक्सटेंशन करते हैं। तो अभी जैसे ये त्यौहार है तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं लॉन्ग हेयर को लेके, बाकी आईलैश को लेके, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि लोग परमानेंट चीज़ें वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, जैसे आईलैशेज हो गई, हेयर एक्सटेंशन हो गए, जिसमें मतलब उनको रोज प्यार नहीं होता। जैसे त्यौहार है का स्वागत करवा चौथ का त्यौहार है, करवा चौथ का त्यौहार जो है ये बताइए भी क्या है ये त्यौहार और तो कैसे मनाते हैं? ये इसमें ये जो त्यौहार है ये पूरा हर दिन के लिए ही होता है, क्योंकि पास करते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए और मतलब मदर इन लॉ से भी रिलेटेड होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है हस्बैंड वाइफ के लिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो ये कोविड करके सारे कपल्स पे, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज़ होती है जो हमें कनेक्ट करती है। मतलब इंडियन के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये हम लोगों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मिलने के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये फेस्टिवल्स तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम फैमिली फैमिली के लिए, क्योंकि इंडिया में कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जो सारे और भूखे भी रहना पड़ेगा। हाँ जी, उनके लिए अरदास करेंगे। वैसे मेरे हस्बैंड सिख है और मैं राजपूत फैमिली से हूँ, वो मेरी मदर इन लॉ नहीं रखते हैं क्योंकि सिख फैमिली में नहीं होता, तो मेरे को अच्छा लगता है प्यार होना, तो इसलिए मैंने मुझे बोलो। ठीक है, इस तो मेहंदी लग गई है। तो अब मुझे बस नेल एक्सटेंशंस करवानी है। मुझे था कि मेहंदी के बाद ही लगाऊंगी तो कलर लग जाता है। हाँ जी, क्या हो गया? नहीं, हम नहीं देते, हम भेलपूरी खा रहे हैं। हिमाचल के लोग कैसे खाते हैं?